नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 14 और पाठ संख्या 14 का शीर्षक है शब्द भंडार। देखते हैं, हिंदी भाषा में शब्दों का भंडार अत्यंत विशाल है। इसमें अनेक प्रकार के शब्द मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के भावों को व्यक्त करते हैं। शब्दों के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। तो बच्चों, यहाँ इस पाठ में आप शब्दों के विभिन्न रूपों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, मतलब संस्कृत के शब्द होते हैं ये, और ये जैसे होते हैं वैसे ही हम इन्हें हिंदी में प्रयोग करते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। नीचे दिए गए तत्सम और तद्भव शब्दों का अध्ययन करो। यहाँ देख सकते हैं आप, तत्सम और तद्भव शब्द आपको दिए हुए हैं। रात्रि तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द है रात। आम्र आम, छिद्र छेद, कंटक कांटा, पत्र पत्ता, नृत्य नाच, सर्प सांप, हस्त हाथ, लोह लोहा, दिवस दिन, चंद्र चांद, क्षेत्र खेत, घट घड़ा, स्वर्ण सोना, कर्म काम, अन्न अनाज, कर्ण कान, नासिका नाक, भ्रमर भौरा, सत्य सच, कपोत कबूतर, आश्रय आसरा, अंध अंधा, आश्चर्य अचरज, घृत घी, ग्राम गांव, ग्रह घर, चक्र चाक, दुग्ध दूध, अग्नि आग, यत्न जतन, वृद्ध बूढ़ा, मस्तक माथा, काक कौआ, धूम्र धुआं, अश्रु आंसू, ज्येष्ठ जेठ, प्रस्तर पत्थर, कूप कुआं। तो ये सभी तत्सम शब्द और तद्भव शब्द आपको याद करने हैं। अब आते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में इनकी वर्तनी, मतलब इनको जिन शब्दों का प्रयोग करके, जिन अक्षरों का प्रयोग करके इन्हें लिखा जाता है वो, और अर्थ में, इनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता होती है। ये अपनी वर्तनी और अर्थ में बिल्कुल भिन्न होते हैं, लेकिन सुनने में एक जैसे लगते हैं, तो इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। नीचे कुछ ऐसे ही शब्द दिए जा रहे हैं, शुद्ध उच्चारण के द्वारा इनके अंतर को जानो और पहचानो। तो यहाँ पर है चिर और चीर। तो देखिए, मात्रा का फर्क है। चिर में छोटी ई की मात्रा है और चीर में बड़ी ई की मात्रा, लेकिन सुनने में कभी कभी ये एक जैसे लगते हैं और इनके अर्थ अलग हैं। चिर का अर्थ है सर्वदा और चीर का अर्थ है वस्त्र। बदन वदन, बदन का अर्थ है शरीर, वदन का अर्थ है मुख। कृपाण का अर्थ है तलवार और कृपण का अर्थ है कंजूस। परिणाम का अर्थ है नतीजा और परिमाण का अर्थ है नापतोल। शौक का अर्थ है चाव और शोक का अर्थ है दुख। कूल का अर्थ है किनारा और कुल का अर्थ है वंश। अनिल का अर्थ है वायु और अनल का अर्थ है आग। अपेक्षा का अर्थ है उम्मीद, उपेक्षा का अर्थ है अनादर। दिशा का अर्थ है तरफ और दशा का अर्थ है स्थिति। श्याम का अर्थ है काला और शाम का अर्थ है संध्या।
आय का अर्थ होता है आमदनी और आयु का उम्र, दिन का दिवस, दीन का असहाय, प्रमाण का सबूत और प्रणाम का नमस्कार। कपाट का अर्थ है दरवाजा, कपट का अर्थ है धोखा। कली का अर्थ है कलयुग और कली का अर्थ है अधखिला फूल। तो बच्चों आप इसे भी याद करेंगे ताकि आपको सही शब्द का सही अर्थ पता हो। अब आते हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो समानार्थी प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि उनके अर्थ समान हैं, परंतु वास्तविक रूप में उनका प्रयोग भिन्न अर्थों के लिए होता है। अर्थ तो समान लगते हैं लेकिन उनका प्रयोग भिन्न जगहों पर होता है। कई बार इसका ज्ञान ना होने पर उचित शब्द का प्रयोग नहीं हो पाता। नीचे कुछ ऐसे ही शब्द अर्थ सहित दिए जा रहे हैं, इनका अध्ययन करें। जैसे जननी और माता, तो दोनों ऐसा लग रहा है कि दोनों के अर्थ समान हैं, लेकिन जननी मतलब जन्म देने वाली माता और माता कोई भी पूज्य स्त्री को हम कह सकते हैं। राजा सम्राट, राजा किसी राज्य का स्वामी और सम्राट होता है राजाओं का राजा। पीड़ा कष्ट, पीड़ा शारीरिक कष्ट दुख को कहा जाता है पीड़ा, और मानसिक दुख को कहा जाता है कष्ट। पत्नी स्त्री, पत्नी एक विवाहित स्त्री, और स्त्री हम किसी भी सामान्य नारी को कह सकते हैं। पर्याप्त अधिक, पर्याप्त मतलब आवश्यकता के अनुरूप, कि जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही हमें मिला है। अधिक का मतलब है आवश्यकता से ज्यादा। दुर्गम अगम, दुर्गम जहां पहुंचना कठिन हो तो उस स्थान को कहते हैं दुर्गम। अगम जहां पहुंचना असंभव हो, वहां कोई पहुंच ही ना सकता हो। अपराध और पाप, अपराध है सामाजिक नियमों को तोड़ना और पाप है धार्मिक नियमों को तोड़ना। लालसा लोभ, लालसा किसी वस्तु को पाने की इच्छा, और लोभ किसी वस्तु को पाने का लालच। ठीक है, इच्छा मतलब हम उसकी इच्छा कर रहे हैं, लालच, लालच तो हमें करना ही नहीं चाहिए, लालच मतलब और मिल जाए, और मिल जाए। ठीक है, चलिए अब है पर्यायवाची शब्द। निम्नांकित को देखो और पढ़ो। यहाँ पर एक कमल का फूल दिख रहा होगा आपको, जलज, राजीव, नीरज, पंकज। जो शब्द परस्पर समान अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसी भी एक शब्द के जो और भी समान अर्थ होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। उपयुक्त चित्र के साथ दिए गए शब्द समान अर्थ दे रहे हैं। हिंदी में इस प्रकार के शब्द पर्यायवाची या समानार्थी कहलाते हैं। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इनका अध्ययन करो और इन्हें आप याद भी करेंगे। हाथ, अब हाथ का अर्थ सबको पता है, ठीक है, लेकिन इसी हाथ को हम तीन तरह से और कह सकते हैं, तो वो है कर, भुजा, पाणी। चिड़िया, चिड़िया का पर्यायवाची है खग, पंछी, परिंदा, विहग। बंदर, कपि, वानर, मरकट। आँख, नयन, लोचन, दृग, नेत्र। बाण, तीर, शर, शायक। नदी, सरी, तटनी, तरंगिणी। सोना, कंचन, कुंदन, स्वर्ण, हेम। इंद्र, देवेश, सुरेश, देवेंद्र। गंगा, भागीरथी, देव नदी, सुर सरिता। सांप, सर्प, नाम, भुजंग, व्याल। पुष्प, कुसुम, फूल,
सुमन प्रसून, शत्रु अरी बैरी, दुश्मन रिपु, देवता अमर देव, भगवान सुर। चलिए अनाज, अन्न दाना धान्य, ईश्वर प्रभु, भगवान परमेश्वर जगदीश, शेर केसरी सिंह, वनराज मृगेंद्र, असुर दानव दैत्य निशाचर, सूर्य दिनकर दिवाकर रवि, सागर सिंधु समुद्र जलनिधि, स्त्री नारी महिला वनिता, हाथी गज हस्ती कुंजर, कृष्ण केशव मोहन गोपाल, राजा नरेश महीप भूपति भूप, मित्र मीत सखा सहचर दोस्त, औरत स्त्री महिला नारी अबला, किनारा कूल तट तीर कगार। तो ये सब हैं पर्यायवाची शब्द, और बच्चों आपको इन्हें अवश्य याद करना है। यहाँ कुछ और भी पर्यायवाची हैं, पार्वती अपर्णा उमा गौरी भवानी, पत्ता, पत्ता शब्द के पर्यायवाची हैं पत्र दल पर्ण पात, धरती के धरा पृथ्वी भू भूमि, घोड़ा अश्व वाजी है तुरंग, तलवार असी कृपाण चंद्रहास, बिजली चपला चंचला दामिनी, जंगल अरण्य वन कानन, लक्ष्मी रमा कमला हरिप्रिया, शिव महादेव शंकर महेश, कान कर्ण श्रुतिपुट कणेन्द्रिय, प्रार्थना निवेदन याचना विनय, और आनंद उल्लास खुशी हर्ष। तो बच्चों आप इन्हें अवश्य याद करेंगे। अब आते हैं विलोम शब्द, निम्न को देखो, अमृत विष दिन रात। ऊपर दिए गए चित्रों में विपरीत अर्थ देने वाली वस्तुओं को दिखाया गया है, जैसे अमृत और विष दोनों अलग अलग हैं, दिन और रात। इस प्रकार के शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जिनके अर्थ विपरीत हों। एक दूसरे से विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। नीचे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, इनका अध्ययन करो। तो यहाँ पर है छोटा, छोटे का विलोम क्या होगा बड़ा, अपना पराया, उत्तीर्ण मतलब जो परीक्षा में पास हो गया हो, और जो फेल हो गया अनुत्तीर्ण, प्रकाश अंधकार, सुख दुख, स्वर्ग नरक, बाहर भीतर, न्याय अन्याय, सभ्य असभ्य, तीव्र मंद, हिंसा अहिंसा, शाप आशीर्वाद, अच्छा बुरा, आदर अनादर, उन्नति अवनति, कच्चा पक्का, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, जंगली पालतू, मतलब कुछ जानवर होते हैं जो जंगली होते हैं, और उनसे विपरीत अर्थ के जानवर कौन से होंगे जिन्हें हम पालते हैं, तो जंगली पालतू, मित्र शत्रु, खरा खोटा, पाप पुण्य, अल्प अधिक, एक अनेक, प्रश्न उत्तर, आदान प्रदान, कायर वीर, जय पराजय, ऊंच नीच, भारी हल्का, गुण दोष, मीठा खट्टा, जटिल सरल, अग्रज अनुज, ज्ञात अज्ञात, उपकार अपकार, जन्म मृत्यु, श्वेत श्याम, कोमल कठोर, सच झूठ, चालाक सीधा,
आशा निराशा नवीन प्राचीन बुराई भलाई उत्थान पतन आय व्यय सुगम दुर्गम कृतज्ञ कृतघ्न। चलिए अब हमने विभिन्न प्रकार के शब्दों का अध्ययन कर लिया है, तो अब देखते हैं क्या पढ़ा क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तत्सम और तद्भव शब्द का क्या अर्थ है उदाहरण सहित लिखो। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, क्या होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द? जो सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी वर्तनी और अर्थ भिन्न होते हैं, उदाहरण सहित लिखो। पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं, कोई दो उदाहरण दो। विलोम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाओ। तो बच्चों ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप पाठ को दोबारा अच्छे से पढ़कर स्वयं देंगे। निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करो। तो यहाँ पर तत्सम तद्भव दिए हुए हैं, घर तद्भव होगा ग्रह का, रात तद्भव होगा रात्रि का, कर्ण तत्सम है कान का, नृत्य तत्सम है नाच का, आम्र का तद्भव होगा आम, लोह का लोहा। और ये जो यहाँ पर तीन हैं ये आप स्वयं करेंगे। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखो। आय आमदनी और आयु उम्र, दिन दिवस दीन गरीब, श्याम काला और शाम संध्या। तो यहाँ पर जो ये मैंने छोड़े हुए हैं इन्हें आप स्वयं करेंगे। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में करो। दुख, मुझे दुख है कि तुम फेल हो गए। शोक, पिताजी अपने मित्र की शोक सभा में गए हैं। इन दोनों शब्दों का प्रयोग आप स्वयं करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखो। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों के पर्यायवाची दिए हुए हैं, बाकी ये जो बचे हैं इन्हें आप स्वयं करेंगे। तो आपको पाठ को अच्छे से याद करना है तो आप ये आसानी से कर पाएंगे। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।